आपकी जो जिंदगी है 20 घंटे काम करने की, 3-4 घंटे सोने की, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहने की, ये तो 5 साल से हम देख रहे हैं। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। खुश हैं आप? खुश भी हूं, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना जानता भी हूं, लेकिन मैं कभी मेरे भीतर संतोष को पालता नहीं हूं। मैं मेरे भीतर के असंतोष को किसी भी हाल में जगाए रखता हूं। कभी मुझे लगा हाँ संतोष की पालाई तो मैं सोचता नहीं यार कहीं से असंतोष ले आऊं, एक नई योजना ले आता हूं, नया विचार लेता हूं और फिर एक असंतोष पैदा करता हूं, फिर संतोष मिले तब तक दौड़ता हूं, फिर नया असंतोष पैदा करता हूं। और इसलिए मैं मेरे भीतर, क्योंकि संतोष संतोष मुझे सोने की प्रेरणा देता है, असंतोष मुझे सामर्थ्यवान बनने की शक्ति देता है। मेरे भीतर असंतोष की ज्वाला मैं बनाए रखता हूं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कुछ न कुछ नया करूं, कुछ न कुछ नया देखूं, ये मेरी और वही मेरी ऊर्जा है। तो इसकी वजह से आपके साथ जो मंत्री काम करते हैं, अफसर काम करते हैं, उनको भी तो परेशानी है ना? ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मैं जब गुजरात में था तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट लाना ही मेरा मुख्य काम था, तो उद्योग जगत के लोगों को हम साथ ले जाता था, तो वहाँ जो मीटिंगें मेरी तय होती थी तो उत्साह में साथ तो आते थे वो, बाद में वो दो ग्रुप करते थे। मेरे साथ जो डेलीगेशन रहता था बोले आधा दिन ये डेलीगेशन रहेगा आधा दिन ये रहेगा, बोले इतने घंटे हम काम नहीं कर सकते, यानी कंपनियों के मालिक वो कभी पूरा समय मेरे साथ काम नहीं कर पाते, वो कहते साहब आधा समय ये ग्रुप रहेगा आधा समय ये रहेगा, हम इतने घंटे काम नहीं कर सकते। मैं कार्य के बिना रह नहीं सकता हूं, मैं मानता हूं देश ने 70 साल बिगाड़े हैं, हमारे कई चीजें होनी चाहिए नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो होने की संभावना थी वो नहीं हुआ है, जितनी मात्रा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मुझे एक तरफ तो उस 70 साल की खाई को भरना है और देश को 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे एक ऐसे माहौल की ओर ले जाना है कि देश चल पड़े और दुनिया में जो चीजें पाने में 30-40 साल लगते हैं मेरा देश उसे 10-15 साल में प्राप्त कर सके, वो गति में पकड़ना चाहता है।